As a political journalist, if there's one state or if there's politicians, an area that we've all been watching very closely, it's of course been Punjab. So I'm very, very pleased to be in this doing this conversation with the Chief Minister Charanjit Singh Channi, and he's given very, very few interviews. I think the only other one that he's given it to before this was to Hindustan Times, my colleague. And so it's so good to have you here, Channi ji. Mukhyamantri ji, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी और पढ़ा भी था, मुझे बिल्कुल वो समझ नहीं आ रहा था कि वो सच है कि नहीं, कि एक जगह ये लिखा हुआ था कि चन्नी जी इतने बिजी हैं कि कभी कभी वो अपने गाड़ी में ही सो जाते हैं रात को. क्या ये सच बात है या फिर लोग बड़ा चढ़ा के लिख रहे हैं? अब पंजाब सरकार ने गाड़ी इतनी बड़ी दे दी है, कमरे जितनी गाड़ी है, तो उसमें सो भी हो जाता है. और एक्चुअली मैं जब से पहले मैं ऑपोजिशन लीडर भी था, तो मेरी गाड़ी के पीछे मैं अपनी ये बिस्तरे लगा कर रखता हूँ. ये हमेशा से मैंने जब दिल्ली आना होता है तो सुबह 3 बजे चलता हूँ, तो 7 बजे यहाँ आकर उठ जाता हूँ, वहाँ सो जाता हूँ. चंडीगढ़ से बठिंडा जाना है तो भी मेरा ये पक्का है कि मैंने घर से उठकर गाड़ी में सो जाना है, जहाँ पहुँचना है 7 बजे पहुँच जाना है. सर, ये मेरा ये तरीका है मेरा. लेकिन सर, अगर आप गाड़ी में सो रहे हैं तो आपके सिक्योरिटी वाले कहाँ सो रहे हैं? नहीं, वो ऐसा है कि सिक्योरिटी वाले तो आप पीछे ज़्यादा घूमने लगे. मैं इनको कह रहा हूँ, यार मुझे इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े बंदे रखो. 1000 बंदा मेरे लिए सिक्योरिटी पे रख दिया, क्या ज़रूरत है यार? 2-4 आदमी जितनी ज़रूरत है उतने रख लो. तो मैंने अब हटा दिए हैं, तो सिक्योरिटी अलग गाड़ी में रहती है. और दूसरी बात, मुझे रमेश विनायक ने ये भी बताई कि आप अभी भी अपने मंत्री वाले घर में हैं. लोग तो वैसे एक तरीके से अगर हम नेता देखें तो फिर उनकी जो स्टेटस या फिर पोजीशन इसी चीज़ से बनती है कि वो बंगला सिक्योरिटी के घर को देखकर पोजीशन ना देखें, बंदे को देखकर घर देख लें. एक्चुअली जो घर में रहता है वो अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा हो ना हो उसकी वो ज़्यादा मैटर नहीं करता. इसलिए मुझे जो पहले घर मिला हुआ है, हालांकि वो इतना अच्छा नहीं, उसकी रेनोवेशन होने वाली है, लेकिन अब 3 महीने के लिए दूसरे घर में जाऊं, पहले उसको अपने तरीके से रेनोवेट कराऊं, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैं जहां हूं वहां अच्छा हूं. सर, अब मैं आना चाहूंगी जब आपका नाम अनाउंस हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम लोग सब पंजाब के न्यूज़ को फॉलो करते थे, वैसे भी कांग्रेस आपके पार्टी के चुने हुए राज्य हैं, और उस समय काफ़ी सरप्राइज हुआ कि पहले पूरा चेंज जो हुआ. तो ये पूछना चाहूँगी चन्नी जी कि आप भी हमारी तरह सरप्राइज हो रहे थे, क्योंकि हम लोग अपने जो पत्रकारिता में अपने रिपोर्टिंग में कुछ अलग ही नाम दे रहे थे, शायद ये बन जाए, शायद ये बन जाए, और फिर आपका नाम आया तो हम सबको पूरा अपना रिसर्च फिर से करना पड़ा. तो आप भी सरप्राइज थे कि आपको पहले से बताया हुआ था? एक्चुअली ये एक युग का परिवर्तन है, पूरा युग चेंज हो रहा है, एलीट क्लास से पावर आम लोगों में जा रही. ये कांग्रेस ने किया है, राहुल गांधी ने किया है. मैं अभी पहले भी बोल रहा था तो मैंने एक गुरु गोविंद सिंह के वाक्य बोले थे कि जिनके जात गोत कुल माही, सरदारी ना पई कताही, तिन ही को सरदार बनाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं. मतलब जिन लोगों के पास कभी पावर नहीं रही है, जिनके गोद में कुल में बाप दादा में कभी पावर नहीं आई है, मैं उनको पावर दूंगा, उनको लीडर बनाऊंगा. कांग्रेस ने इस सोच पे, गुरु गोविंद सिंह की सोच पे काम किया है. तो ये एक युग का परिवर्तन हो रहा है, और जब युग का परिवर्तन होगा आम आदमी को आश्चर्य होगा कि यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये कहाँ से बन गया. तो मुझे भी आश्चर्य ही हुआ था. मुझे पहले बताया गया कि आप चंडीगढ़ आ जाओ, मैं अपने घर में था खरड़ में, मैं चंडीगढ़ आ गया तो मुझे राहुल गांधी जी का टेलीफोन आया कि हम आपको सीएम बना रहे हैं. मैं भी हैरान था, यार मुझे क्यों सीएम, कैसे बन रहे, सीएम बना रहे हो आप? मैंने यही कहा, ये भी भूल गया मेरा लीडर है, मैंने जी कहना है या क्या कहना है. मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो आप,
मेरा बर्तन इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा सामान डाल रहे हो उसमें, आप किसी और को बना लो, कोई और नाराज हो रहा है उसको राजी कर लो, मैं तो पार्टी का डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, मैं पार्टी में ही हूँ, आप किसी और को बनाओ, मैंने मांगा भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमने पूरा सोच समझ के फैसला लिया है, हम आप ही को बनाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक, मैं रोने लग गया। अब रोने लग गए? मैं मतलब काफ़ी देर तो मैं रोता रहा टेलीफोन पे कि ये क्या हो रहा है, मतलब चाहे वो खुशी के आंसू थे, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन मैं रोया और मैंने कहा कि आप किसी और को बना लो। वो कहते नहीं, आपको ही बनाना है। मैंने कहा ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है। क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा था सर? नहीं, मैंने मांगा नहीं था कभी। जो पॉलिटिक्स में बंदा आता है, पहले मैं स्कूल में इलेक्शन लड़ा, मेरा बाप दादा तो कोई MLA या मंत्री नहीं था, हमारे परिवार में कोई नहीं आज तक रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, फिर मैं 3 बार म्यूनसिपल कमेटी का मेंबर बना, MC मतलब पंच जैसे होते हैं, फिर मैं म्यूनसिपल कमेटी का प्रेसिडेंट बना, म्यूनसिपैलिटी का सरपंच जैसे 2 बार, फिर इस सिस्टम में घुसना बड़ा मुश्किल है, कांग्रेस मुझे टिकट ही नहीं देती थी, कांग्रेस का आदमी हूँ, कई बार टिकट मांगी नहीं मिली, अल्टीमेटली लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट ही जिता दिया, फिर कांग्रेस वाले समझे यार ये बंदे में कुछ होगा, तभी इन्होंने आज़ाद MLA बना दिया इसको, तो मुझे फिर टिकट दी गई, तो मैं 3 बार अब MLA बना हूँ। पिछली बार जब सरकार आई तो मैं ऑपोजिशन लीडर था, तो मुझे इस खुशी है कि मैं जब ऑपोजिशन लीडर था, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर था, तब सरकार आई हमारी, तो इस बार मुझे मुख्यमंत्री का मौका मिला है, तो एक सीक्वेंस है, नीचे से ऊपर को आ रहा हूँ। पहले मैं MC था, अब वो उल्ट हो गए अक्षर, सी पहले आ गया, अब CM बन गया हूँ। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का करिश्मा है, डेमोक्रेसी देश में कामयाब डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे, कि एक आम साधारण आदमी, गरीब आदमी जो ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ ऊपर छत भी सही नहीं थी, वो भी CM बन सकता है। मैं वही, मतलब पता नहीं हमारे ऑडियंस में कितने लोग ये जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि आप साधारण परिवार से हैं, कि कितने साधारण, मतलब आपके, आप बताना चाहेंगे सबको कि आपके पिताजी क्या करते थे? एक्चुअली किसी को भी अपनी बैकग्राउंड छुपाने से कुछ नहीं मिलता है, नहीं छुपानी चाहिए, जो आप थे उसी पे आपको गौरव होना चाहिए, जो गरीब है उसको भी गौरव होना चाहिए कि मेरे पिता ने मेहनत करके मुझे पढ़ाई दी है, मुझे आगे लेकर आए हैं, तो गरीबी शराब नहीं है, गरीबी से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। एक पाकिस्तान का शायर है बाबा नजमी, वो कहता है बेहिम्मते ने ओ जेड़े सिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना फाड़ के पत्थरां दा। इधर हिंदी में मतलब ये है कि जो लोग किस्मत को दोष देते हैं उनमें हिम्मत नहीं, जिसने आगे आना है वो पत्थर फाड़ के भी आगे आ जाता है, उसको मेहनत उसकी नेक नीति, उसकी ईमानदारी उसको आगे लेकर आती है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए अपने आप को निरंतर स्ट्रेंथन करते रहना चाहिए, सोच नेक और सही और ऊंची होनी चाहिए, तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है, इसलिए निरंतर ये ज़रूरी नहीं है कि कोई गरीब घर में पैदा होकर आगे नहीं बढ़ सकता, उसके उसमें एक जज्बा होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, एक आगे बढ़ने के लिए मेहनत और लगन होनी चाहिए। अगर हम देखें एंड इफ वी लुक एट द हेडलाइंस, जो सबसे बड़ा हेडलाइन था जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ कि पंजाब गेट्स इट्स फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर, और इसको अगर हम इस बात, इस फैक्ट से भी देखें कि पंजाब में सारे राज्यों से सबसे बड़ा दलित पॉपुलेशन है, 30% से मेरे ख्याल से ज़्यादा ही है, तो सर अगर इतने लोग हैं, रिप्रेजेंटेशन से ही होता है, डेमोक्रेसी है, तो इतने साल क्यों लग गए कि दलित को चीफ मिनिस्टर बनने में पंजाब में, और इससे आप जो बने हैं इस समुदाय के लिए, इससे उनको क्या, मतलब उनके लिए ये क्या माने रखता है? देखिए मैं तो गुरुओं को मानता हूँ,
गुरुओं ने कहा है, गुरु नानक ने कहा है, नानक नाम चढ़दी कला सरबत दा भला, सारयां दे भले दी गल करनी चाहिए। गुरु रविदास ने कहा है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबना को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहे, गुरदास रहे प्रसन्न। छोटों और बड़े में समानता होनी चाहिए, एक समाज ऐसा होना चाहिए जहाँ सब बराबर हैं। और मैं ये भी मानता हूँ, राजनीतिक और पावर की दौड़ में किसी की कोई कास्ट नहीं है, एक एलीट क्लास है जो राज कर रही है देश में और करती रही है और हमारे स्टेट में करती रही। इनका एक ही धर्म है, इनका एक ही जात है कि ये अमीरों से भी ऊपर एक रजवाड़ा शाही है, एक एलीट क्लास है। ये इकट्ठे रहते हैं आपस में, इनकी जात धर्म एक है। ये जो नीचे दलित है, जट है, पंडित है, ये इनके लिए छोटी बातें हैं और हम लोगों को इन्होंने छोटी बातों में उलझाया हुआ है। हमको इससे ऊपर उठना चाहिए। गरीब मिडिल क्लास लोग, बैकवर्ड क्लास लोग, पिछड़ेपन के लोग, वो किसान जो खेत में काम कर रहा है उसको एक स्वाभिमान दे रहे हैं कि जी आप बहुत बड़ी स्वर्ण जाति से हो, लेकिन जो क्लास राज कर रही है वो उसको समझ रही है कि ये गरीब किसान है, ये हमारे जैसा नहीं है, ये राज नहीं कर सकता। तो देश के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और ये जो लोग आपस में बांटकर धर्म और राजनीति की राजनीति करते हैं, जो जात की राजनीति करते हैं, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हर किसी में क्षमता है, तो जब कोई स्वर्ण जाति का बनता है कोई नहीं लिखता है कि किस जाति का बना, अगर दलित बनता है तो दलित की जाति लिखते हैं। इससे इन बातों से ऊपर उठना पड़ेगा, देश को इकट्ठा सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो आज अगर कांग्रेस पार्टी ने एक दलित और एक गरीब को आगे लेकर आए हैं तो ये सही सोच है, इसको वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल वेलकम करते हैं सर, लेकिन आप मानेंगे कि जाति जो है वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है राजनीति में। आप तो इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, आप तो जानते ही हैं कि ये कास्ट फैक्टर तो काफ़ी बड़ा ये है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल बहुत लोग खुश हुए हैं जो कि जो गरीब लोग हैं और जो दलित लोग हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और उनको भी पता चल रहा है कि अगर चन्नी जी नंबर वन पोजिशन पर हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये बस एक टोकनिज्म, राहुल जी ने ये करने के लिए क्योंकि 30% वोट बैंक है इसलिए किया है, तो इसमें रियल जो एम्पावरमेंट की बात है वो नहीं दिखता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, एक विश्वास बना है कि हमारे जैसे लोग भी राज कर सकते हैं, हम भी इसके काबिल हैं। जो लोग गरीब मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो आम लोग हैं, जो एक आम युवा है जो आज नौकरी ढूंढ रहा है, जिसको आगे बढ़ना है, उसको एक कॉन्फिडेंस विश्वास मिला है, इसलिए लोग प्यार करते हैं, इसलिए लोग प्यार दे रहे हैं। और उनमें जो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की जीत है, डेमोक्रेसी को बल मिला है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी आगे आ सकता है और बांट कर नहीं लड़ाकर नहीं राज होगा, इस सहमति और प्यार से सब मिलकर राज करेंगे। और जो लोग ये मानते हैं कि इससे हमेशा, जैसे आपने भी कहा कि एक इलीट क्लास थी जो कि सदियों से वही लोग पार में थे, वही लोग राज कर रहे थे, तो जिन लोगों का ये मानना है कि पंजाब में जो जट सिख हैं वो इससे गुस्सा हो जाएंगे, वो अब कांग्रेस के खिलाफ हो जाएंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार के जो फैसले आप उनको समझें, वो सबके लिए हैं। अगर हमने बिजली के बिल माफ़ किए हैं तो जो गरीब किसान है नहीं दे पा रहा था उसके ही माफ़ हुए, जो दलित है उसके ही माफ़ हुए हैं, जो एक दुकानदार है उसके ही माफ़ हुए हैं, जो महाजन है उसके ही माफ़ हुए हैं। हमने अगर रेट कम किए हैं बिजली के तो 3 रुपये रेट सबके कम किए हैं, किसी एक के नहीं किए हैं। अगर पेट्रोल के दाम कम हुए हैं पंजाब में, 10 रुपये लीटर कम किया है हमने, तो वो सबके लिए हुआ है। अगर डीजल के रेट कम हुए हैं तो सबके लिए हुए हैं। पानी की टैंकियों के बिल नहीं दे पा रहे थे गांव वाले, वो सबके लिए किए। हम
जो है सबके लिए काम कर रहे हैं, किसी एक जाति या एक धर्म के लिए नहीं कर रहे। इसीलिए विश्वास बिल्ड हुआ है पंजाब में, इसीलिए एक नई सोच आई। हम एक नई सोच से नया पंजाब दे रहे हैं, पंजाब को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं और इसमें हम कामयाब होंगे। ये जो बिजली के बिल माफ़ करने, इन सारे काफ़ी सारे चीज़ों की बात की, और बिल्कुल आप सितंबर में बने हैं, उसके बाद हमने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स देखे हैं, लेकिन ये तो बोलना सच होगा ना सर कि ये सब आप कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल अंत में आ गए, बिल्कुल चुनाव के कुछ महीनों पहले। ये तो पहले कर लेना चाहिए था, आपकी सरकार ही पार में थी, लेकिन आपको 3 महीने पहले आप कर रहे हैं, तो लोग भी तो देख रहे हैं कि ये अब चन्नी जी आए हैं, अब चुनाव आ रहे हैं, तो फिर सारे माफ़ कर रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हो कि अब आप आए हो तो अब हो रहे हैं, इसलिए मतलब मैं चाहता हूँ ना ये करूँ। मैं वो करता हूँ जो एक आम आदमी मुसीबतें अपनी ज़िंदगी में देख रहा है, जो इन मुसीबतों को सहन कर रहा है, जो आम आदमी की प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको हल करता हूँ। मुझे पता है उसकी क्या मुसीबतें हैं, मैं उस दौर से गुजरा हूँ, मैंने अपने दामन पे वो चीज़ें हंडाई हैं, वो देखी हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है जब एक गरीब आदमी बिजली का बिल देता है उसके पास पीछे बचता कुछ नहीं है करने को, तब मैं बिजली के बिल कम कर रहा हूँ। मुझे पता है हर रोज़ स्कूटर में तेल पड़वाना डलवाना है पेट्रोल तो जेब खाली हो जाती है, उसके लिए पेट्रोल रेट कम कर रहा हूँ। पानी की समस्या है, गाँव वाले पैसे इकट्ठे करके पानी का बिल नहीं दे पा रहे बिजली का, और बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। मैं जब ऑपोजिशन में था तो एक गांव में गया तो गांव की कुछ लेडीज़ इकट्ठी होकर मुझे मिली कि जी एक हफ्ते से पानी नहीं आया गांव में। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा जी जो पानी की टंकी है जहां पानी चढ़ता है वहां एक मोटर जो सरकारी तौर पे लगती है, एक मोटर लगती है, ट्यूबल लगता है, पंप लगता है, उसका बिल नहीं दे पा रहे हैं गाँव वाले, इसलिए कनेक्शन काट दिया है। मैंने कहा यार खुद ही लगा दो, ये कोई एक आदमी का तो काम नहीं, पूरे गांव का काम है। वो तो सरपंच डर गया कि मैं तो नहीं लगाऊंगा, तो मैंने खुद पौड़ी मंगवाई और मैंने खुद चढ़कर वो स्विच लगा दिया कि यार लगाओ पानी, देखेंगे बाद में क्या होता है, पर्चा होगा मेरे पे होगा। तो मैं ऑपोजिशन में था तब मैंने सोचा था कि जब मैं आऊँगा तो ये मसले का हल करूँगा, अब मुझे मौका मिला। मैंने वो सारे पानी के कनेक्शन जितने हैं लगभग 13,000 हैं पंजाब में, सबको फ्री कर दिया है कि जो पानी की टंकी गांव को पानी देती है उसका बिल सरकार भरेगी, और 160 रुपया हर घर में जाता था। अब क्या है कि चादर छोटी हो गई है, पांव बाहर निकल गए हैं, टैक्सों का बोझ इतना है लोगों पे कि वो नहीं दे पा रहे। तो मैंने 160 जो बिल आता था उसको 50 रुपये कर दिया। अब पूरे पंजाब में सबके लिए 50 रुपये बिल आता है, शहर के लिए भी 50 रुपये आता है। तो जो आदमी, जो स्टेट में जो लोग राज कर रहे हैं, जो पार्टी राज कर रही, उसने देखना है कि हमारे जो लोग हैं उन पे कितना बोझ पड़ रहा है, उनकी कैपेसिटी है उतना देने की, इफ़ दे हैव नॉट देन वी मस्ट पे फॉर देम। लोगों का पैसा है, लोगों में जाए, बड़े बड़े लोगों के घर में क्यों जाए? अब बड़े बड़े लोगों के टैक्स माफ़ करते हो, अगर मैंने कुछ गरीब लोगों के टैक्स माफ़ किए हैं तो इसमें तकलीफ क्या है? एक्चुअली वो हैं जिनको हमने देखना है। इंडस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इंडस्ट्री नहीं होगी देश में तो देश तरक्की कैसे करेगा? लेकिन सब कुछ वही ले जाएंगे, जो प्रजा है, जो आम लोग हैं वो बहुत गरीबी में रहेगा। ये जो असमानता है इसको सही करना है, समीकरण सही होने चाहिए, मेरे घर में भी आना चाहिए लेकिन दूसरे के भी जाना चाहिए। तो मैं उस पे काम कर रहा हूँ। मैं टोटली जो हमारे पीरों ने कहा है, गुरुओं ने कहा है, एक वो मॉडल दे रहा हूँ पंजाब को। वैसे आपने सारे अपने जो किया उन चीज़ों के पीछे, मैं ये भी आपको पूछना चाहती थी, दिल्ली की ये जो ऑडियंस है, सारे दिल्ली के लोग हैं, ये जानना चाहते हैं सर आप ये पराली बर्निंग, स्टबल बर्निंग, इस पे क्या कर रहे हैं, इस पे कुछ किया है? क्योंकि पोल्यूशन का इम्पैक्ट तो हमें पड़ रहा है यहाँ पे। ये सब दिल्ली वाले तो हमारे राजे हैं, हमेशा आपने ही राज किया है हम पे, अच्छी बात है, और हम आपका सम्मान भी करते हैं।
लेकिन आपसे ही निवेदन करूंगा कि मोदी जी से बोलो कि स्टबल बर्निंग हमारा शौक नहीं है और मैं रोकता हूं भी लोगों को, इस बार बहुत कम हुई है, लेकिन किसान को जो पराली को वो आग लगाता है उसको इकट्ठी करने के लिए सरकार पैसे दे, फिर हम उसको ज़बरदस्ती भी रोक पाएंगे। हम उसके चावल का गेहूं का दाम जो देते हैं वो ही पूरा नहीं है, उसके बाद उसको जब वो इकट्ठी करके उसको डिस्ट्रॉय करता है उस पर खर्चा आता है उसका, वो सरकार को देना चाहिए, जिससे वो बॉन्ड हो जाएगा कि आपको खर्चा मिल रहा है, आप इसको इकट्ठी करवाओ। तो मैं यही यहाँ की सरकार को भी निवेदन करके आया हूँ, मोदी जी को भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि किसान को जो उसकी पराली है वेस्ट है उसको इकट्ठा करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके दाम के साथ ही कुछ पैसे मिलने चाहिए, इसका एक प्रॉपर हल है। उसके बाद किसान नहीं कह पाएगा मैं आग क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि उसको पैसे दे दिए गए हैं उस खर्चे के, वो खर्चा उसका बराबर हो जाना चाहिए, प्रॉफिट ना दें लेकिन एक्चुअल खर्चा उसको मिल जाना चाहिए, इसका प्रॉपर हल है ये। किसानों के बारे में मैं आपको पूछूंगी, लेकिन आपके ये जो जवाब मैंने जो आपको प्रश्न पूछा था उसके पहले कि आप कुछ महीनों में ही आप ये सब सारे डिसीजन ले रहे हैं, एक तरीके से आपने मुझे ये भी जवाब दे दिया मुख्यमंत्री जी कि आपके आने से पहले आपकी जो सरकार थी वो लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे थे, ये आप मान रहे हैं? नहीं, अगर वो आपने एक तरीके से बोल दिया है कि क्यों जरूरत पड़ी कि सीएम बदलें। अब हमारा पहले सीएम 2 घंटे काम करता था, अब मैं सिर्फ 2 घंटे ही नॉन वर्किंग हूँ, बाकी सारा काम करता हूँ। अमरिंदर जी बस 2 घंटे काम करते ही इतना लेट थे, लोग पूछते थे यार ये जागता कब है, अब मुझे पूछते हैं ये सोता कब है। पहले जब मैं बना था लोग कहते थे जो मेरे विरोधी थे यार इसने क्या करना है, अब वो कहते हैं यार इसका क्या करें। हालात बदल गए हैं, एक युग का परिवर्तन हो गया है, नए युग में नई चीज़ें मिलेंगी। मैं सबको सेसिबल हूँ, वो किसी को भी सेसिबल नहीं थे, ये सिस्टम नया आ गया है जो लोगों को पसंद आ रहा है। अरे मैं अगर सीएम बन गया हूँ तो क्या बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ, तब क्या लोगों से दूरी कर लूँ, तब क्या अंदर किसी को घुसने नहीं दूँगा। मैंने अपने घर के बाहर टेंट लगा दिया है, यार आओ बैठो मेरे से मिलो, मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना। अगर आप ड्राइंग रूम में वेट कराते रहोगे लोगों को, क्या ज़रूरत है इसकी, आप अंदर आराम से बैठे हो, बाहर लोग वेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप उनसे जाकर मिल लो। मेरे घर रात को 12:30 बजे लोग आए कि जी हमारे जो तबेले हैं उनको ख़राब किया जा रहा है, मैं उनसे बाहर जाकर मिल लिया, दे आर हैप्पी। डीसी को रात को ही टेलीफोन कर दिया, डीसी ने उनका मसला हल कर दिया। तो क्या लगता है इसमें, आपकी जो ड्यूटी है वो आप करो, क्यों अंदर ही बैठे हो, बाहर आओ लोगों से मिलो, लोग यही चाहते हैं, इससे लोग खुश हैं, इससे सस्ते में क्या मिलेगा आपको। तो सर अगर इतनी प्रॉब्लम थी, आप जो कह रहे हैं आपके बाकी कॉलीग्स ने भी जो मतलब जो MLA हैं उनसे सब लोग यही कह रहे हैं कि अमरिंदर जी का ये प्रॉब्लम था, तो सर लेकिन आपकी पार्टी ने लास्ट मतलब कुछ महीने पहले क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि लोगों के साथ जनता के साथ तो बुरा हो रहा है ना कि उनका काम नहीं हुआ। अगर आप लोगों को मालूम था ये सब प्रॉब्लम है तो फिर आपको पहले ये नौकरी देनी चाहिए थी, CM बनाना चाहिए था, नहीं? देखो हर चीज़ का समय आ जाता है। एक्चुअली हम कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन सी बहुत छोटी सी चीज़ थोड़ी सी उतार कर इधर रख दिया, ये एक सिस्टम से उतारोगे ना आप, उतारने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए, सोचना पड़ता है कैसे उतारे वो उसके उसका आधा हिस्सा तो बीजेपी के साथ होता था पहले से ही था ना, तो बीजेपी वाले उसकी सपोर्ट करते थे, तो यहाँ से ही प्रेशर था। अब मैं सीएम बन गया, मुझे ये नहीं पता था कि ये मुझे ओथ भी लेने देंगे कि नहीं देने, ये सिस्टम उसको उतारना मुश्किल था बहुत। और दूसरी बार सीएम थे, कितनी बार MP बन चुके, उनके घर वाले मिनिस्टर रहे हैं, तो आप ये भी देखो ना कि एक भी MLA उसके साथ नहीं गया कांग्रेस को छोड़कर, और हर MLA कांग्रेस के साथ लाइन में खड़ा था। ये छोटी बात थोड़ो है, पार्टी की आइडियोलॉजी पे
एमएलएज ने पहरा दिया है, एमएलए पार्टी के साथ रहे, आज तक भी कोई उनके साथ नहीं गया, तो उसको समझ आ जानी चाहिए कि गलत हूँ मैं। अब अगर कोई पार्टी किसी को टिकट नहीं देती, वो आजाद जीत जाता है, तो पार्टी को समझ आ जानी चाहिए बंदा सही था हम गलत थे। अब अगर उसके साथ कोई नहीं गया तो उसको समझना चाहिए कि मैं गलत था। तो टाइम तो लगना ही था, इसलिए टाइम लगा। बच्चनी जी, आप ये तो मानेंगे क्योंकि पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह उस समय जीते थे जिस समय कांग्रेस में हर राज्य में लोग हार रहे थे, 2014 मोदी वेव में आपको मालूम है कितना बुरा हाल था आपके पार्टी का। उस समय जिन्होंने डिलीवर किया, आपको राज्य दिया, और फिर 2017 में भी वो जीते, तो आपको नहीं लगता कि उनके साथ बुरा हुआ? उनसे वो जब दिल्ली आए, आप सबसे राहुल जी मिल रहे थे, सिद्धू जी से मिल रहे थे, सबसे मिल रहे थे, वो यहाँ पे उनसे मिले भी नहीं, वो वापस चले गए। क्या एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसे करना चाहिए था? मेरी बात सुनो, कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्या नहीं मिला? कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी ने एमएलए बनाया, एमपी बनाया, दो बार सीएम बनाया, उनके घर वाले एमपी बने, उनके घर वाले मंत्री रहे, फॉरेन मिनिस्टर रहे, क्या दे इससे ज़्यादा पार्टी, क्या एक्सपेक्ट करते हैं इससे ज़्यादा पार्टी से? आज पार्टी को ज़रूरत है, आप काम कर नहीं पा रहे हो, आपने पिछली बार डिक्लेयर कर दिया था आई एम नॉट गोइंग टू कंटेस्ट नेक्स्ट इलेक्शन, देन व्हाई आर यू डूइंग दिस? पार्टी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह गलत कर रहे थे। आपको ड्यूटी दी गई है कि आप लोगों के काम करो, आप फार्म हाउस में जाकर बैठ गए हैं, सरकारी कोठी में भी नहीं रहते हैं, आप इनअसेसेबल हैं, तो पार्टी क्या करे? अब पार्टी अपना दफ्तर बंद कर दे या कैप्टन अमरिंदर सिंह का दफ्तर बंद कर दे? आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए था पार्टी, कि उसका घर तो खुलता ही नहीं है, ना वर्कर के लिए, ना लीडर के लिए, ना राहुल गांधी के लिए, और पार्टी का दफ्तर खाली हो रहा है, तो हम अपनी पार्टी का दफ्तर क्यों बंद करें, उसका ही क्यों ना बंद कर दें? तो ये लोगों में यही तय हुआ कि जी अब ये नहीं कुछ करेगा, हमें इसको ही छोड़ देना चाहिए। फिर भी हमने छोड़ा नहीं, वी ट्राइड अवर बेस्ट कि आप अच्छा करो, आप करो, आप करो, वो फिर भी नहीं करते हैं, तो उसको कहा गया कि आप रिजाइन कर दो, तो ग्रेसफुली रिजाइन कर दो ना। सो सर, यू वांट वन ऑफ द एमएलएस हु काइंड ऑफ रेबेल्ड अगेंस्ट हिम, आपने उनकी शिकायत नहीं की थी? मैं तो हमेशा ही कहती रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों के काम करो, क्यों नहीं करते? मुझे कई बार अच्छा नहीं लगता इन लोगों को, मैं तो कहता हूँ करो काम, क्यों नहीं करना काम? पब्लिक के लिए हैं तो पब्लिक में जाओ। आज सुबह अमित शाह जी कह रहे थे कि अमरिंदर सिंह जी से बातचीत चल रही है चुनाव के लिए, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपको लगता है, क्योंकि उनकी आप कह रहे हैं उनके साथ कोई? मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि अमित सिंह जी ये कह रहे हैं कि बात चल रही है, वो तो पहले से ही चलती है, दोनों इकट्ठे ही हैं, इकट्ठे ही प्लानिंग हो रही है, इकट्ठे ही इन्होंने ये किसानों का एजिटेशन चलाया, अब इकट्ठे ही इसको ख़त्म कर रहे हैं, ये सारा जालसाजी है, तो किसान क्या करेगा, तो पंजाब क्या करेगा? तो अब ये लोग नई उसी शराब को नई बोतल में डालकर दिखाना चाहते हैं, कैसे चलेगा? ये धोखा तो पहले भी पंजाब के लोग कर चुके हैं कि जी कैप्टन अमरिंदर सिंह अकालियों से और बीजेपी से मिला हुआ था, सबको पता है, अब वो सामने आ गए हैं कि जी हाँ मैं मिला ही हुआ था यार, हम मिलकर ही काम कर रहे हैं, अब वो उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, लड़ने वो तो उनकी मर्जी। आप इतनी फ्रैंकली बोल रहे हैं सर, पिछले हफ्ते में आप लोग दिल्ली जब आए थे तो आपको भी बुलाया था, सिद्धू जी को भी बुलाया था, सुनील जाखड़ जी को भी बुलाया था, तो सिद्धू जी से डील करना थोड़ा सा मुश्किल है ना? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं, पार्टी के लीडर हैं, और मैं पार्टी के नेतृत्व में काम करता हूँ। बट वो जो हर बार ट्वीट कर देते हैं, अपने पार्टी के बारे में कंप्लेन करते अच्छा हैं, क्रिटिसिज्म होना चाहिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में, और मेरे लिए तो खास तौर पे मुझे ज़्यादा अच्छे वो लोग लगते हैं जो मुझे गलतियाँ बताते हैं अपनी, मेरे में कोई गलती है तो सिद्धू जी बताते हैं, तो वेलकम है। बताते हैं तो आप मतलब जैसे एक चीज़ जो हम बाहर से देखते हैं, हम जर्नलिस्ट का तो काम ही यही होता है सर, देखना कि कहाँ पे क्या गलत चल रहा है, तो आप लोग टिकट, क्योंकि आपने भी कहा कि टिकट मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो सिद्धू जी चाहेंगे क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं
वहाँ पे पार्टी यूनिट के, तो आपको नहीं लगता है कि इतने लोग हैं कि लड़ाई होगी? मैंने आपको पहले भी कहा, मेरे साथ ज़िंदगी में जो जो समस्याएं आई, मैं उनमें से हर चीज़ का हल ढूंढता हूँ। मेरे गरीबी से उठने में जो समस्याएं आई हैं वो मैं गरीब लोगों के लिए करता हूँ, मिडिल क्लास में जो समस्याएं हैं उनके लिए करता हूँ। मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे पता है क्यों नहीं मिलता था और कैसे मिलना चाहिए। तो ये जो टिकट वाला सिस्टम है, अगर आप मेरिट पे करोगे तो ना मुझे प्रॉब्लम है, ना सिद्धू को प्रॉब्लम है, ना किसी को प्रॉब्लम है। एक सर्वे आजकल सिस्टम कितना है, आप ही बता देते हो वहाँ से कौन जीतने वाला है। जो जीतने वाला उसको टिकट दे दो किसी के साथ। जब सिरों को सिर बांटे जाते हैं कि ये इतने आदमी सिद्धू के हैं, इतने आदमी चन्नी के हैं, इतने फलाने के, इतने उसके हैं, तब प्रॉब्लम आती। प्रॉब्लम कोई नहीं है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। आप जो जीतने वाला है मेरिट पे है उसको टिकट दे दो, सर्वे करा लो, उसको भी सबको बता दो ये सिस्टम है भैया, इतने इतने आपके नंबर हैं, आपको पब्लिक ज़्यादा चाहती है, आप लड़ो नीचे, किसी को क्या प्रॉब्लम है। सिद्धू को भी नहीं होगी, मुझे भी नहीं। तो सर्वे के बेसिस पे आप लोग करें, ऑन मेरिट टिकट बांटे जाएंगे, उसके लिए सिरों को सिर नहीं बांटे जाएंगे। मुझे किसी धड़ेबंदी की ज़रूरत नहीं है। जब मैं सीएम पहले बना था तो तब कौन से मैं मांगा था या मेरे लिए एमएलए खड़े थे। पार्टी सिस्टम है, पार्टी जिसको चाहेगी वैसे होगा, किसी का एक का टिकट नहीं होगा, जो जीतने वाला उसको टिकट देंगे। तो सर अमरिंदर जी से प्रॉब्लम नहीं है, सिद्धू जी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चुनाव है, तो आपको लगता है चैलेंज कहाँ से है? अकाली से है या ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल जी से है, आम आदमी पार्टी? एक एक इंटरव्यू में था तो मैंने वहाँ भी कहा है, मुझे अपने आप से ही चैलेंज है। चरणजीत चन्नी ही मेरी प्रॉब्लम है। अगर मैं अपने आप को ठीक कर लूँ तो सब कुछ ठीक है। मैं अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ, मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। जो मुझे नहीं मिला मैं वो लोगों को देना चाहता हूँ। जो मुझे मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है मैं उस नौजवान को बताना चाहता हूँ, जो पंजाब का नौजवान है जिसको नहीं मिल रहा है, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, जिसकी कोई सपोर्ट नहीं है उसकी सिफारिश मैं हूँ, जिसकी कोई सपोर्ट नहीं है उसकी सपोर्ट मैं हूँ, जिसकी सुनवाई नहीं होती उसके लिए सुनने के लिए मैं हूँ। मैं अपने आप को, अब मुझे ही अपने आप से चैलेंज है, मुझे किसी से कोई चैलेंज नहीं। तो मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा तो सब कुछ ठीक है। पर अरविंद केजरीवाल जी तो काफ़ी पॉपुलर हैं वहाँ पे, वो थोड़ा मैंने देखा उनका रिएक्शन, उनको बुरा लगा कि आपने कहा कि वो काले हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, ऐसा क्यों कहा सर आपने? नहीं, आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो उसको बदल रहे। मैंने ये कहा है कि हिंदुस्तान में बहुत देर, लंबे समय अंग्रेज़ों ने राज किया। वो चिट्टे अंग्रेज दिल्ली से आए, बाहर से, यूके इंग्लैंड से आए, उन्होंने यहाँ राज किया, हमने बहुत दुख सहकर कुर्बानियाँ देकर उनको निकाला। अब ये दिल्ली से काला अंग्रेज आ रहा है हमें राज करने के लिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। पंजाबी खुद सक्षम है राज करने के लिए। आप भैया अपनी स्टेट चलाओ, आप दिल्ली के भी नहीं हो, दिल्ली में भी आपने घुसपैठ की है। वो अन्ना हजारे जी आ गए, आप उनके मोड़े पे बैठकर आगे निकल गए, उनको पता नहीं कहाँ है अब अन्ना हजारे जी, वो ख़त्म हो गए। आप घुसपैठ करके दिल्ली में राज करने लग गए, आप पंजाब में घुसपैठ करना चाहते हो। हर बोर्ड पर लिखा है अब की बार केजरीवाल, क्यों भाई, पंजाबी नहीं है क्या आप, क्यों आओगे? इसलिए मैंने कहा कि चिट्टे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज आ गए। अब वो कहते हैं जी मेरा रंग धूप में काला हुआ, मैं वैसे तो चिट्टा हूँ, तो मैं चिट्टा अंग्रेज बोल देता हूँ उनको। अब आप बताओ, वो कहते हैं जी मैं तो धूप में काला हुआ हूँ, गांव में घूमता, ठीक है भैया तू चिट्टा अंग्रेज है, काला नहीं है, हमारे लिए तो अंग्रेज है ना, बाहर से आ रहा है। आप अपने क्षेत्र में काम करो, अपनी स्टेट में काम करो, पार्लियामेंट लड़ने लड़ो, वो सबको हक है, लेकिन आप बाहर से आकर पंजाब में राज करना चाहते हो। ये कोई सामराट धरती नहीं है जिसका कोई मालिक नहीं है, पंजाब के हम पंजाबी मालिक हैं। हम गांव में पैदा हुए, हम शहर में पैदा हुए, पंजाब की पल्स हमें पता है। उसको क्या पता है पंजाब क्या है, उसको क्या पता पंजाब की गरीबी क्या है, उसको क्या पता पंजाब के यूथ की क्या
ज़रूरतें हैं, उसको कल्चर ही नहीं पता पंजाब का, पंजाबी बोलनी नहीं आती, तो पंजाब में कैसे राज करेंगे। मैंने इतना कहा है, वो उसको काले गोरे में चक्कर में डाल रहे हैं। वो पहले एक्चुअली ट्रेंड वो सेट करता है, बात वो कहते हैं। मैं तो जब उसका जवाब देता हूँ तो उससे आगे निकल जाते। पहले उन्होंने कहा ये नकली आम आदमी है, अब ये साबित हो गया कि असली आम आदमी मैं हूँ। मैंने उसको सिंपल सी बातें की, पंजाब का आम आदमी है जो, उसको पता है पंजाब। अभी मैं एक प्रोग्राम में गया, उन्होंने ढोल भंगड़े वाले बुलाए हुए थे, मुझे रिसीव उनके साथ किया। उन्होंने मुझे यही सवाल पूछ लिया कि जी पंजाब का आम आदमी केजरीवाल कहता है। मैंने कहा जी कल आपके पास केजरीवाल आए थे तो आपने उनको भंगड़ा और ढोल से इंट्रोड्यूस किया था। बोले नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं किया। बोले उनको ये पता नहीं है। मैंने कहा फिर वो आम आदमी कहाँ है पंजाब का। तो ऐसे ही उसको उसको क्या पता कैसे पंजाब में गुल्ली डंडा खेला जाता है, कैसे बंदर किली खेलते हैं, कैसे पिट्ठू खेलते हैं। उसको क्या पता है पंजाब के गरीब कैसे गुजारा करता है एक भैंस रखकर। उसको क्या पता है कैसे धार चोई जाती है। उसको क्या पता है गरीब के घर में, उसी घर में भैंस खड़ी होती है, उसी के घर में वो गरीब सोता है। उसको क्या पता जब छत से पानी आता है तो कहाँ कहाँ बर्तन रखकर वो पानी को बचाया जाता है फर्श ना खराब हो जाए। उसको क्या पता है पंजाब का। तो सर आपकी पार्टी में आम आदमी अध्यक्ष कब होंगे, क्योंकि बहुत लोगों का, आपने तो, आपने ऑडियंस वालों को बता दूं आप तो पीएचडी भी कर रहे हैं कांग्रेस में, तो आपके पार्टी में कई सारे सीनियर लीडर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि हर एक पोस्ट का मतलब पूरा चुनाव हो और कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट। और आप अब तो कांग्रेस ने इलेक्शन रख दिया है, नवंबर में शायद इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर, तो इलेक्शन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो आगे आएगा वो आ जाएगा। बट नॉन गांधी प्रेसिडेंट पार्टी का आपको लगता है होंगे? ऐसा है, क्या गांधियों की कुर्बानी कम है? बाप दादा कुर्बान कर दिए हैं, अगर उनका लड़का भी लड़ना चाहता है इलेक्शन तो लड़े। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? ये तो गलत है ना कि जी गांधी ने अपना बाप भी खो दिया, अपने दादे भी खो दिए, कुर्बानियाँ भी कर दी, और वो इसलिए कि वो गांधियों का लड़का है तो वो आगे नहीं आ सकता। ये भी गलत है। अगर ये गलत है कि एक अमीर आदमी ही आगे नहीं आएंगे, गरीब भी आएगा, तो ये भी गलत है कि उनको राइट ही कोई नहीं है, जो जिन्होंने बाप दादा ने कुर्बानियाँ की है उनको आगे आने का राइट नहीं। समानता सबको मिलनी चाहिए, उसका भी अपना हक है। वो कह रहा है यार मेरी क्या गलती है, अगर मेरा बाप, मेरे पिता ने शहीदी दे दी और देश के लिए कुर्बान हो गया तो मैं अब आगे कुछ भी बन नहीं सकता। अगर पब्लिक चाहती है, अगर वो क्रांतिकारी है, अगर वो ऐसे युग परिवर्तन करता है तो उसको आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।